हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो स्पिन मोटर होती है, ठीक है दोस्तों, वीडियो कॉन की वॉशिंग मशीन हो चाहे एलजी की वॉशिंग मशीन हो, कोई भी तरह की स्पिन मोटर होती है वो अगर धीमे चलती है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं और उसके लिए हम क्या जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आज को मैं आपको जो है उसका तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है, जिससे आपको अच्छी से जानकारी मिल सके। फिर देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक कैलकुलेटर की वॉशिंग मशीन जो है रिपेयरिंग में आई है, ठीक है फ्रेंड्स, एक कैलकुलेटर की वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग में आई है जिसके अंदर हमें जो है इसकी स्पिन मोटर की जो है शिकायत कस्टमर के द्वारा दी गई है। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं मशीन को जो चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये अभी इसकी जो है, ये देखिए दोस्तों, ये वॉश मोटर इसकी जो चल रही है बराबर फर्स्ट क्लास की वॉश मोटर चल रही है। अब स्पिन मोटर मैं इसका जो चालू करता हूँ, देखिए दोस्तों, आपने स्पिन मोटर चालू की लेकिन स्पीड की बहुत स्लो है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत स्लो है, ये मशीन जो है चल नहीं रही है। तो देखा दोस्तों आपने, हमारी जो मशीन है बिल्कुल बहुत स्लो चल रही है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं बना पा रही। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जो मैं आज आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरह की कंडीशन में दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये जो इसके अंदर ये जो लीड वायर, देखिए दोस्तों, हमारी जो स्पिन मोटर में जा रही है हमारा तार जो है स्पिन मोटर का वायर है, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैपेसिटर का वायर खोल के हमें जो है वॉश मोटर का जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर हमें जो है इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो इसका कैपेसिटर चेंज करके देखना है, अगर कैपेसिटर से इसका मामला सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा हमारी जो इसकी मोटर शॉर्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसके जो है ये ब्लू वाइट कलर का जो वायर, ठीक है दोस्तों, और रेड और वाइट कलर का वायर है हमारा स्पिन मोटर का है, ठीक है दोस्तों, और सिंपल जो रेड और ब्लू कलर का हमारा जो है वॉश मोटर के जो है कैपेसिटर के वायर हैं। ये दोस्तों, ये हमें एक बार इंटरचेंज करके देखने हैं, अगर इससे हमारी मोटर चले तो हमारा काम बन जाएगा, अन्यथा हमारी जो, ये देखिए दोस्तों, अब मैं रेड के अंदर लगाता हूँ जो वॉश मोटर का जो कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों, मैं इसके अंदर लगाने जा रहा हूँ जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा हमारी मोटर ओके है या ख़राब है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर वॉश मोटर के अंदर देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं, 9.5 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, और 4 एमएफडी का कैपेसिटर हमारा वॉश मोटर में स्पिन मोटर में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 4 एमएफडी का कैपेसिटर मैंने हटा दिया है और 9.5 एमएफडी का एक बार चला के देखता हूँ स्टार्टअप देने के लिए, इसको टॉर्क देने के लिए। अब मैं मशीन को चालू करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। अब मैं मशीन चालू करता हूँ और आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कैपेसिटर भी बदल दिया है, फिर भी हमारी जो मशीन है, हमारी मशीन जो है बिल्कुल भी स्पीड नहीं ले रही है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि हमारी जो है इसकी मोटर ख़राब है, इसकी मोटर शॉर्ट हो चुकी है, वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसकी वाइंडिंग ख़राब होने के कारण हमारी मशीन जो है टॉर्क नहीं ले रही, स्पीड नहीं ले पा रही। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको इसकी मोटर रिप्लेस कर देनी है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी मैंने किस तरह से आपको जो है ये तरीका बताया है। जब हमारी मशीन जो है बिल्कुल धीमे घूमे या बिल्कुल भी स्पीड ना ले या कपड़े ना सुखाए तो उसके लिए हम कैसे इसको चेक करें, अगर मोटर ख़राब है आप इसकी मोटर रिप्लेस कर दें। और वैसे ही बेसिकली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर हमारी मशीन कपड़े चलती है लेकिन कपड़े नहीं सुखाती है, वो वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मैंने दे रखा है प्ले लिस्ट, आप उसमें जाकर उस वीडियो को देख के उसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।